Assalamu alaikum students, my dear students. This is the book of biology for 9th class students, chapter number 5, cell cycles. Name is the chapter, okay, chapter name is cell cycles. Students, today question is, what is chromatids? Chromatids kya cheez hoti hai, okay students. To ye chromatids jo hai, ye aap dekh rahe hain, ye hamare chromosome ki shape hai, chromosomes ki ye type hai. To chromosome hai, ye chromosome kahan hota hai, nucleus ke andar hota hai. Aur ek nucleus mein ke jo chromosomes hote hain human body mein, ek nucleus ke andar 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं. तो क्रोमेटिड्स क्या होता है, ये आप देख रहे हैं, ये एक थ्रेड है, धागेनुमा एक स्ट्रक्चर है, और ये है. तो ये दो एक थ्रेड की दूसरी कॉपी यहाँ पे आ रही है, तो इन्हीं दो कॉपियों का नाम क्रोमेटिड्स कहलाता है. ओके, क्रोमेटिड्स की डेफिनेशन क्या है, लिख लें स्टूडेंट्स. इन द बिगिनिंग ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होता है, ईच क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम्स हैं, इस कंसिस्ट ऑफ टू जेनेटिकली आइडेंटिकली कॉपीज. क्रोमोसोम दो कॉपीज पर मुश्तमिल होते हैं, दो कॉपियाँ हैं इसकी, इस थ्रेड की. ओके, अटैच विद ईच अदर, जो कि एक दूसरे के साथ अटैच है, किसके जरिए, सेंट्रोमियर के जरिए, इस कॉल्ड क्रोमेटिड्स. इसको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं, या सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कहा जाता है. ओके, ये क्रोमेटिड्स कहलाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देखें सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये डायग्राम है. ओके, तो इसकी आप डेफिनेशन लिख लें, ये यहाँ से लेके बुक के पेज नंबर 94 पे इसकी डेफिनेशन, ये देखें. इन यहाँ से व्हाट इज क्रोमेटिड्स का आंसर है, इन द बिगिनिंग ऑफ सेल डिवीजन each chromosome is consist of genetically identical copies of thread attached with each other. Okay, chromatids is called chromatids. Hey, यानी कि एक क्रोमोसोम की दो कॉपियां जो हैं, ये क्रोमेटिड्स कहलाती हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.